भारत माता की जय नहीं बोलने देते? क्यों, कौन मना करता है आपको? अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते? किसने बोला बच्चे आपको? इधर उधर यार, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अच्छा, धर्म अलग अलग है ना। हाँ, पर ये तो देश की बात है ना, धर्म थोड़ी ना। शर्मा क्यों रही थे ना? गाय भैंसों के साथ देना। वो कहीं गाने के ना बोले सीधा ना। ये लड़की, अरे वाह क्या स्माइल है। भारत माता की जय। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि मैं ट्राइब्स को एक्सप्लोर करता रहता हूँ और जगह जगह जाता रहता हूँ और उनके लाइफ के खुशी गम जो भी उनके मतलब अनएक्सप्लोर्ड थिंग्स जो है उनको एक्सप्लोर करता रहता हूँ, आपके सामने लाता रहता हूँ। उसी के तहत अभी मैं दूसरी फैमिली के पास, जो कि एक ट्राइबल फैमिली है और देहरादून में ये लोग रहते हैं, जंगल के बीच में लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा जंगल है और इधर आगे नदी भी पड़ती है जहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैमिली है, देखिए ये भी एक ट्राइबल फैमिली है। यहाँ पे कुछ 3-4 लड़कियाँ यहाँ पे हैं। अच्छा बहन, क्या नाम आपका? रेशमा। आपका नाम रेशमा है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो रेशमा जी क्या हाल चाल आपका? ठीक है। ठीक है, ये आपका बच्चा है? हाँ। इसका नाम क्या है? आसिया। आसिया नाम है इसका। हाँ। मैं जितने गुज्जर परिवार में जाता हूँ ना, मेरे को आसिया, आसमा और जुबैदा, जुलेखा नाम ही मिलते हैं। हाँ। है ना, आप लोगों के नाम रहते हैं। हाँ। अच्छा, तो रेशमा जी आपके अभी आपके पति, हस्बैंड समझते हैं ना, पति? हाँ। पति कहाँ है आपके? वो कहीं जा रखा। यही है? यही। हाँ। अच्छा, दूध ले जा रखे होंगे। हाँ। है ना, आज जा रखे कहीं। अच्छा, तो ना रुखसाना। रुखसाना नाम है आपका। तो रुखसाना जी, क्या हाल चाल चल रहा है आपका? गाय भैंसों के साथ। गाय भैंसों के साथ। अच्छा अच्छा, तो हंसते हंसते मुस्कुराते हो? कि जंगल में नहीं हंसते मुस्कुराते हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, आप अभी तो शादी नहीं है आपकी? ना। अभी वो है ना, तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ करी है आपने? थोड़ी बहुत पढ़ रखा है, 4-5 प्लस। 4-5 प्लस? 4-5 पढ़ा हुआ आपने? 3-4 पढ़ रखा। तो पढ़ना लिखना आता है थोड़ा बहुत आपको? थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है। अच्छा, तो कितना कितना आता है थोड़ा बहुत? जैसे नाम वाम लिख लेते हो आप? अपना नाम नूम लिख देते हैं। हाँ। नाम लिख लेते हो? हाँ। थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ना वढ़ना? थोड़ा हल्का फुल्का आ जाता है, तो पढ़ लेते थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो? फोन वोन चलाना आ जाता है? फोन भी कम कम चलाते हैं। यहाँ पे रहते हो, जंगल के बीच में रहते हो? हाँ। तो क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है? यहाँ लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अच्छा, लाइट पानी नहीं है, तो कैसे करते हो फिर यहाँ पे, क्या सिस्टम है? ऐसे ही रहते बस, क्या कर। पानी कहाँ से भरते हो? जंगल से लाते हैं। जंगल से लाते हो पानी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पढ़ी लिखी हैं? कुछ कुछ नहीं पढ़ी लिखी आप? कुछ नहीं पढ़ा आपने? क्यों? बस ऐसे अनपढ़। अनपढ़ है जी। अच्छा, तो तब 1-2 क्लास कुछ नहीं पढ़ी आप? ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हो गई 4 साल। 4 साल हो गए शादी को आपको? अच्छा, बच्चे कितने आपके? एक ही लड़की। एक ही लड़की है? की भाई बहन है सब ये? ना। हाँ। इन ननद लगती है सारे। सारी ननद है? अच्छा, इनका घर भी यही है? हाँ। इनका घर पल्ली साइड में। पल्ली साइड पे है। अच्छा, तो आप घूमने में जाते हो कभी बाहर कहीं? ना। सिटी शहरों में नहीं जाते? नए नए फैशन करते हैं लोग आजकल, नई नई लड़कियां, वैसे कुछ नहीं करना चाहते, बस यहीं पे जंगल में। जंगल में अच्छा लगता है? जंगल में रहने पड़ता है, क्या करें, डंगरों के साथ। हाँ, डंगरों के साथ रहना पड़ता है। शादी कब हुई आपकी? 4 साल हो गए। अच्छा, इधर ये आपकी, आपकी क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं। भाभी लगती हैं? तो सबसे छोटी लग रही है। अभी तो सबसे छोटी लग रही है। अरे इधर तो देखिए, क्या नाम आपका? इधर देखिए देखिए, नूरजहां नाम आपका। तो नूरजहां, आपका घर कौन सा है? वो नीचे है, वहाँ पे। नीचे आपका घर? वहाँ कौन कौन है अभी? भैया, पति है आपके वहाँ पे अभी? आप तो, मैं दादी के पास गया तो दादी ने बड़ा अच्छा गाना सुनाया मेरे को, इसने बताया होगा आपको। आप लोगों में आता कोई गाना वाना? है सब ना, सीधा ना। वो कहीं गाने के ना बोले सीधा ना। आता भी होगा बच्चों को? तो आते होगा बच्चों को, तो आता ही होगा। इसको आता होगा? इसको आता होगा? सारा को आता होगा? आता होगा गाना कुछ? है कविता आती है? कविता
कविता समझते हो? कविता तो इनको आती बार बच्चे बोलते। इसको तो मैंने पूछ ही लिया, इसको तो इंटरव्यू लिया वहां पे मैंने। अच्छा वो क्या बोलते हैं आपको रेशमा जी, जैसे आप नए जमाने की, आपकी उम्र भी कम ही होगी, कितनी होगी आपकी? 20-22 साल होगी। तो जैसे आजकल नया जमाना आप देखते हो, नई जवानी लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और नए नए फैशन कर रही हैं, तो आपका भी दिल करता है कि यार हमें भी पढ़ना होता, मैं भी फैशन करती, ऐसा कुछ मन करता है आपका? ऐसे तो मन करता है, फिर क्या करें, रिश्ते में ही नहीं कुछ भी है, कैसे पढ़ाई करें, कैसे नहीं, है ना। अच्छा जब चलो पढ़ाई की तो मैं मानता हूँ, आजकल लोग जैसे मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न समझते हो नया जमाना, हाँ। तो लड़कियां जैसे आप देखते हो जीन्स पहन रही हैं, टॉप पहनती हैं, मतलब नए नए फैशन करती हैं, हाँ। तो उस तरह से आपका कभी होता है कि मैं भी ऐसा कुछ हम भी करें कभी, है? होता है? तो क्या वजह है कि आप नहीं करते? तो कैसे करें ना, हाँ ये भी है जंगल, कुछ भी पास क्या करना, क्या करना, बाजार भी नहीं जाते घूमने। अच्छा 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 रेशमा, आप तो जैसे आप नए जमाने के हो, तो मैं आपको कुछ बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने तीन तलाक का मुद्दा सुना होगा, आपके यहाँ तीन तलाक बहुत चलता है, हाँ। सरकार ने नया कानून पास किया है कि आप कोई जो आदमी ऐसे तलाक नहीं दे सकता, उसको कानूनी तरीके से करना पड़ेगा, आपको पता कुछ इस बारे में? नहीं पता। तीन तलाक के बारे में पता है, हाँ। क्या होता है वो बताओ, तीन तलाक पता है आपको? नहीं पता। जैसे बोलते हैं तीन तलाक, हाँ। उसके बारे में नहीं पता आपको? आपको कुछ पता है इस बारे में? आप नए हो। सब तो ऐसे करते हैं, सरकार देती है, बनाकर ग्रुप वार्ड फिर होती है, तलाक से काम सरकार देती है, हाँ। तो आपको पता, आपने कहाँ सुनाइए? हमें हमारे यहाँ तो सुनते रहते हैं, कोई बाहर वाला सुनाते रहता है, अगर सरकार वो देते रहे घूमने वाला तो सुनते रहते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो जैसे आप समाचार वाचार पढ़ते हो कभी, जैसे कभी फोन पे सुन लेते हो समाचार वगैरह? हाँ ऐसे सुनता हूँ थोड़ा बहुत, समाचार सुन लेते हैं। अच्छी बात है। जैसे आजकल स्मार्ट, जैसे मेरा फोन है ना मेरे पास, तो इस तरह से लोग आजकल चलाते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, वो तो जानते होंगे आप? ऐसे तो बनाते हैं, हाँ, व्हाट्सएप बनाते हैं, वीडियो कॉल बनाते हैं। आता होगा आपको करना, हाँ। है ना? अच्छा अच्छा, तो कभी शहरों में जाते हैं घूमने वूमने कभी? नहीं, शहरों में पहाड़ फूट जाते हैं वैसे। पहाड़ फूट जाते हो आप? ठीक 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 ठीक। हमें निगम वाले भी परेशान करते हैं। कौन से निगम वाले? ना निगम, हाँ। तो बोलिए उस बारे में, नगर निगम वाले कई हजार रुपए हमने लगा दिए, 1.5 लाख रुपए लगा दिए इसी। अच्छा, ऐसे परेशान करके रखते हैं निगम, घर तोड़ते हैं, फिर आप फिर ऐसे बनाने लग जाते, फिर आने लग जाते, फिर निगम तो हम नौ लगा रखी ना, क्या बोलते स्टेट लगा रखी भी। अच्छा, फिर परेशान कर लेते हैं, परेशान कर देते हैं जैसे छप्पर बनाते तोड़ देते हैं, फिर जैसे अभी बना रखा आपने तो, हाँ। फिर तोड़ देंगे, हाँ। वो नीचे भी तोड़ देते हैं जो डंगरों में बनाते हैं, अभी ठंडियों में भी वो करती थी, तोड़ दी थी हमारे छप्पर छप्पर, फिर हमने बनाया था मुड़कर, गाय हमारे बछड़े बच्चे मर गए थे उनके लिए। अच्छा, उन लोगों को तोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात सही बात। तो जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप टाइम पास कैसे करते हैं? जैसे मतलब भैंस पास का काम हो गया तो फिर टाइम पास कैसे करते हैं? टाइम पास समझते हो ना आप? हाँ। बस ऐसे ही कैसे घर में देखा, पहले दूध निकालना, फिर खाना बनाना, इतने को दूसरे टाइम हो जाएगा दूध निकालने का, दूध निकालने का। बेबी क्या ये लड़का लड़की? लड़की, ये लड़की। अरे वाह क्या स्माइल है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आशिया आशिया बहुत ही प्यारी, रुक सा ना, आप कर दो पंखा तो हटाओ आगे से, सुनाओ सुनाओ, अरे थोड़ा तो आता होगा, इतनी बूटी दादी आ गया ऐसे क्या शर्मा के रहे थे ना। हमें गाना आता नहीं है भैया, हमको फोन चलाते कम कम चलाते हैं, मैं क्या बता गाने क्यों होते। अच्छा अच्छा, और सबको पता है गाना ऐसा हो नहीं सकता कि आजकल के नए जनरेशन नए बच्चे यार गाना ना आता हो। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है रेशमा जो है अपने बच्चे को यानी कि आशा को झुला रही है, देखो कैसे उन्हें बेड पे ही वो बांधा है। तो आशा आप क्या बता रही थी, सॉरी रेशमा आप क्या बता रही थी, घर कैसे बन रहा है आपको वहाँ पे पक्का वाला? वो जमीन ले रखी है ना रजिस्ट्री की। अच्छा, वो तब भी निगम वाले उसे तोड़ते आगे, रजिस्ट्री की जमीन है तब भी तोड़ते है की मत बनाओ यहाँ पे। तो ये खर्चा आप कर रहे हो पूरा ईंट ईंट उसका? अपना खर्चा कर रहे हैं, अपना खर्चा करके बना रहा है, दूध के पैसे से, दूध के पैसे से बना रहे हैं। तो इसमें हंसी हंसी वाली बात कैसे? आप बताओ आप हंस क्यों रहे हो? आप बोलो
हमने पानी उठा रही। क्या हो गया? हमारा पानी नहीं चल लाइट है ऐसे ही। हम तो बस 12-13 साल हो गए हमें, यहाँ छोटे छोटे थे हम पहले कभी। तो कभी निगम बल परेशान करता, कभी पशुओं को हमारे छप्पर डाल के गिरा देते हैं, कभी हमें यहाँ से कहते निकल जाओ। फिर हमने लगाई दे टू, उसके वजह से हम यहाँ फिर यहाँ पे हो। अच्छा आप बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा भारत माता की जय नहीं बोलने देते? क्यों, कौन मना करता है आपको? क्या बोलते हैं? अच्छा मजहब में नहीं है भारत माता की जय नहीं बोलते। अच्छा और क्या नहीं बोलते इसे? वंदे मातरम में नहीं बोलते? अच्छा मजहब में मना करा हुआ। आप तो स्कूल में पढ़े हो, आपको भी मना करा हुआ? तो पढ़ रखे हो, याद भूल गए क्या क्या करते नहीं ना हमारे यहाँ। हाँ मुस्लिम है ना, जैसे इसे नहीं करते, इसलिए नहीं करते आप। अच्छा इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलते, मना करा हुआ आपको? बड़े बड़ों ने मना करा हुआ? क्या हो जाता है इस बोलने से? नहीं बोलते नहीं हमारे। अच्छा नहीं बोलते। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोलते? अच्छा अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते? किसने बोला बच्चे आपको? इधर किसने बोला आपको कैसा नहीं बोलते? नहीं पता? हाँ हिंदुस्तान में, तभी तो बोलो कि भारत माता की जय बोलने में क्या फर्क पड़ता है? बोलते नहीं ना है रुखसाना, मुस्लिम है ना हम जैसे। हाँ उसे नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते उसे। क्यों, क्या हो जाता है बोलने से? धर्म अलग अलग है ना। हाँ पर तो देश की बात है ना, धर्म थोड़ी ना। ऐसे तो बोलते हैं, मुश्किल है ना झंडे के लिए बोलते, जब झंडा लाते पहले बोलते धर्म। हाँ यहाँ लगाते हो झंडा? मैं बताऊँ रात लगाते कभी कभार हमने जब झंडे को। अच्छा तब छोटे थे ना, तब स्कूल में जाते तब करते हैं, जाते हैं। अच्छा एक बार ने क्यों? आप पंजाबी हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं बोलोगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मना करा हुआ साफ, नहीं बोलना कत्ता ही नहीं। अच्छा ऐसे तो किसी ने मना भी नहीं कर रखा, आदत नहीं पड़ रखी। आदत नहीं पड़ रखी तेरे पास? पड़ी हुई है तो बोलता रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो फ्रेंड जैसे मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, इस ट्राइबल फैमिली से बात कर रहा हूँ, तो समस्या तो उनकी वही है जैसे आप बाकी समझती हो, पानी बिजली। और अभी बरसात का टाइम है तो पानी भी टपक जाता है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे आप देखते हैं रुखसाना, रेशमा और नूरजहाँ जैसे और बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे हैं जो कि अभी यहाँ पे हैं, ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके हस्बैंड, उनके जो घर वाले हैं वो अभी कुछ जंगल में काम करने गए, कुछ पहाड़ों में काम करने गए, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस टाइम थोड़ा बहुत कैटल्स का, पशुओं का काम करना और बाकी बच्चों के देख देख करना। लेकिन इनकी एक समस्या ये भी है दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि हम जंगल के बीच में हैं, तो नगर निगम जो है, जो कि एक संस्था है सरकार की, वो यहाँ पे आती है और इनके झोपड़े देख सकते हैं, ये झोपड़े जो है इनको तोड़ देती है कि आप इलीगली यहाँ पे स्टे कर रहे हो। उनका मतलब ये नगर निगम कहना है, लेकिन इनका कहना ये है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, अगर ये हमारा झोपड़ा इस तरह से तोड़ते रहेंगे तो हमको कोई स्थान ही नहीं, कोई प्लेस ही नहीं है। क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे पास में नदी है और जहाँ नदी होगी वहाँ आपको ट्रैवल फैमिली मिल जाएगी, क्योंकि इनके पशु जो होते हैं उनको आसानी से पानी पीने के मिल जाता है। क्योंकि ये पशुओं का काम करते हैं तो नॉर्मली इनकी 30-40-50 भैंसें तो होती हैं एक पूरे खुनबे के अंदर आप बात करें, और एक फैमिली की बात करें तो 10-20 या 12 भैंसें इनकी होती हैं। तो इनको इस ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे पानी बहुत पास हो, और इनकी समस्या यह है कि जहाँ पानी पास हो वहाँ इनको रहना है, और जहाँ ये रहना चाहते हैं वहाँ नगर निगम रहने नहीं देते। तो ये बड़ी एक मतलब अजीब सी सिचुएशन है, और ये बेचारे करे तो करे क्या करे। तो फ्रेंड जैसा आपने देखा कि मैं ट्राइबल फैमिली में मिला और यहाँ पे रेशमा से, रुखसाना से और इस तरह से काफ़ी लड़कियों से बात की मैंने, और इनके दिल की बात जानी, क्या समस्याएं हैं, क्या इन्होंने अपनी दिल खोल के अपनी समस्याएं बताएं, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस ट्राइबल फैमिली से मिलके। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरला भाई को, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।